नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपको अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, हम आपके लेकर आए हैं एक और नई वीडियो के साथ एक और नई सूचना। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि जो राजस्थान में जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी वो बजट पेश कर रहे हैं, तो सभी के लिए कुछ ना कुछ नई नई सौगातें आने वाली हैं। तो जो बेरोजगार अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी एक अच्छी खुशखबरी है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, 75,000 पदों पर भर्तियाँ करेगी सरकार। तो इस वर्ष अशोक गहलोत ने जो बजट पेश किया उसमें अब बेरोजगार अभ्यर्थियों के लिए एक अच्छी खुशखबरी दी है कि लगभग 75,000 पदों पर जो राजस्थान सरकार वो इस वर्ष भर्तियां करने जा रही है। तो दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे किन किन पदों पर और जो क्या क्या जो नौकरी निकलने वाली हैं उन सभी की डिटेल्स यहाँ पर आप देखेंगे। तो जो बजट जो अभी चल रहा है उसी से ये न्यूज आ रही हैं। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर राजस्व विभाग में 44,686 और शिक्षा विभाग में 21,600 भर्तियाँ। तो जो विद्यार्थी शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं या जो पटवारी जो राजस्व विभाग इसमें पटवारी तहसीलदार से रिलेटेड जो आते हैं उसमें 44,686 हैं और जो अध्यापकों की जो भर्तियां हैं इसमें सभी टीचर्स आ जाएंगे, थर्ड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, वो लगभग 21,600 भर्ती होंगी। इसी के साथ अगर आगे बात करें तो 25,000 युवाओं को इस साल 1,00,000 तक ऋण देंगे। तो ये भी जो बेरोजगार युवाओं के लिए एक अच्छी सौगात दी है। और इसी के साथ अगर आगे देखते हैं तो मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना शुरू करने की भी घोषणा की है। इसी के साथ अगर पदों का भी हम देखते हैं तो किस किस डिपार्टमेंट में कितनी कितनी पोस्ट होंगी वो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो जी राजस्थान न्यूज का जो ट्विटर हैंडल है यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो ऊर्जा विभाग में 9,000 पोस्ट, PHED में 1,401, PWD में 1,341 पदों पर होंगी भर्ती। तो ये जो ऊर्जा डिपार्टमेंट है उससे रिलेटेड है, PHED PWD। तो ऊर्जा में 9,000, PHED में 1,401 और PWD में 1,341 पदों पर भर्ती होगी। ये CM गहलोत ने जो आज का जो बजट हो रहा है उसमें अनाउंसमेंट किया है। इसी के साथ अगर बात करते हैं दूसरे डिपार्टमेंट में, तो जैसे कृषि में 4,000, शिक्षा विभाग में 21,600, कृषि में देख सकते हैं 4,000 हैं, शिक्षा विभाग में 21,600 हैं, कोऑपरेटिव जो बैंक्स और सोसाइटीज होते हैं 750, IT में 800, मेडिकल में 15,000, उच्च शिक्षा में 1,000, स्किल और रोजगार में 1,500 और वन में 1,474 पदों पर भर्ती होंगी। ये ऐलान किया है आज के बजट में CM अशोक गहलोत जी ने। इसी के साथ अगर आगे देखते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं एनर्जी में 9,000 और PHED में 1,400, ग्रामीण और विकास में भी 5,000 पदों पर भर्तियाँ की जाएंगी। तो बेरोजगार अभ्यर्थियों के लिए अच्छी सौगात है। हालांकि हम ये गवर्नमेंट पे हम ये विश्वास करेंगे कि ये भर्तियाँ जल्द से जल्द जारी किए जाएँ, उनके नोटिफिकेशन जारी किए जाएँ, जिससे कि जो विद्यार्थी इंतजार कर रहे हैं उनके लिए जल्दी सब पदों को वर्गीकरण होकर वैकेंसी निकाली जाएँ, जिससे कि सभी को फायदा हो। तो दोस्तों, जो ये अब तक की जो बजट की जो मेन बातें थी जो बेरोजगार विद्यार्थियों से रिलेटेड थी, जो भी जो भर्तियाँ निकलने वाली थी उन सब की जो डिटेल्स थी वो हमने आपको यहाँ पर बता दी हैं। और आप इससे रिलेटेड और कोई भी न्यूज़ आती है, अगर कोई भी भर्ती आएगी तो हम आपको सबसे पहले बताएंगे। अगर आप चैनल पर विजिट करने वाले नहीं हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि सभी प्रकार की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गुड बाय।